हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से मोतीलाल पार्ट मास्टर मैं आपको एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। जैसे आज शीतला पूजा और बड़े बड़े पूजो नवरात्र को ये खाना जैसे देवी माँ को चढ़ाने का जो चावल वगैरह हंडे जैसे पकाते हैं वो बना कर दिखाता हूं। जैसे इसका नाम बोल सकते हैं राइस हंडी, देवी देवता का हंडी या पानी का राउंड गोल घड़ा भी इसे बोल सकते हैं। बहुत ही अलग डिजाइन का है ये। बनाने का तौर तरीका सेम वही है, मैं आपको फटाफट जैसे अपना वीडियो ही बना कर देख रहा हूँ। ये दोस्तों बनाने का तौर तरीका, ये कैसा है कैसा नहीं है। ये पूरा राउंड शेप रहेगा, गोल पूरा राउंड रहेगा, इसमें कोई जैसे लंबा नहीं रहता है। जितना भी बनाए उसका गोल में एकदम पूरा अच्छा रहना है। ये बड़ा बड़ा रहता है, एक मैक्सिमम 6 से 7 लीटर इसमें पानी आना चाहिए। और इसमें चावल पका सकते हैं, दाल जो पूजा पाठ ऐसे देवी देवताओं को होती है ऐसे चढ़ती है। ये बनाने का तौर तरीका है। और ये बना कर जला कर हम लोग ऐसे नवमी का नवरात्र आता है, बहुत से घर में माँ बहनें जो है यूज करती हैं। और ये बहुत जगह ही काम में आता है दोस्तों, जैसे शादियों के विवाह के काम में आता है और इत्यादि चीज़ के काम में। देखिए बनकर तैयार हो गया और इसको उठाकर हम अपने चैनल ये दिखा दिए ये कैसा हो रहा है। और आपको मैं बना कर देख रहा हूँ। अब इसका देखिए बना कर फैलाया हूँ और व्यू में साइड साइड लगाया हूँ। अब इसका मैं दूसरा पार्ट दिखाऊंगा। दूसरा पार्ट बोले तो ये घुमा कर बनाने का, थोड़ी देर में आप देखते रहिए। देखिए दोस्तों ये तैयार हो गया, मिट्टी का नीचे लगा दिए हैं। इसका पार्ट टू इसको बोलते हैं, लगा कर ये तैयार कर दिया हूँ। ये पीछे का हिस्सा बनाने का, बहुत ही राउंड फिगर शेप ये बनेगा। बहुत इसमें चावल पकाते हैं, दाल पकाते हैं, कढ़ी पकाते हैं, शादियों में, पूजा में और बड़ी बड़ी कथा में भी इसे जो लगाते हैं घर के देवी देवता पूजा में, हर चीज़ में काम में आती है ये बनाने का। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मोतीलाल पॉट मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप, क्योंकि मैं आपको नए से नए वीडियो देता रहूं। और हमारे वीडियो का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब ये देखिए वाइट इस उल्टा करके तैयार हो गया, ये पूरा गोल रहेगा, इसमें 5 से 6 लीटर पानी आएगा। और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अंदर देखिए बना कर नाइट का। ये दोस्तों इसके सबसे बड़ी बात ये है कि हम इसको बाहर नहीं सुखाते, घर के अंदर ही सुखाते हैं क्योंकि मिट्टी है। और इसका मैं इसको कैसे कलर करते हैं ये भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये नीचे रख कर राउंड शेप में कलर करता हूँ। ये नेचुरल मिट्टी का कलर है, कोई और कुछ भी नहीं है। हमारे जो लाल मिट्टी निकल उसे मिट्टी भिगा कर छान कर इसको कलर करते हैं और कलर करके इसको ऐसे अंदर ही छोड़ देते हैं। ये गीला पर ही हम लोग कच्चा में कलर कर डालते हैं। देखिए कैसे ये कलर हो रहा है, ये राउंड एकदम पूरा सेफ फिटिंग कलर हो गया। ऐसे कलर करके हम लोग, ये नेचुरल मिट्टी है और कोई भी ऐसा कलर नहीं है, लाल मिट्टी का पानी करके कलर करते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये तो हो गया, बनकर तैयार हो गया। ये भट्टी देख रहे हैं जी, इस भट्टी का मैं बात कर रहा था दोस्तों कि वीडियो इसका छोड़ने वाला हूँ। इसमें देखिए ये बहुत ही अलग तरीके का भट्टी है, साइड में रिजेट घड़ा और जो हम बनाते हैं मिट्टी का पॉट वो इसी तरह भट्टी में जला जा कर। देखिए डिश है, जार है, सब जो मैं आपको वीडियो सुरई वगैरह वीडियो में दिखाया सब बना कर देखें। ये इससे भट्टी है जिसका मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो आने का। तब तक दोस्तों हमारे चैनल को बहुत ही सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं हमारा वीडियो कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।